हे गाइस वेलकम टू द चैनल आज की कंपनी फी एम इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो फॉर्म हुई थी 1989 में फाउंडेड बाय मिस्टर जेके जैन फी एम इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है ऑटोमोबाइल लाइटिंग एंड सिग्नल इक्विपमेंट्स में और रेयर व्यू मिरर्स भी ये लोग मैनुफैक्चर करते हैं इनका मेजर जो बिजनेस है वो टू व्हीलर सेगमेंट से आता है और इनका ट्वेंटी से थर्टी जो मार्केट शेयर है वो टू व्हीलर हेड हेडलैम्प मार्केट से आता है मतलब हेडलाइट्स जो कि टू व्हीलर में हेडलाइट्स रहती है उसमें इनका 27 सेवन से थर्टी मार्केट शेयर है इंडिया में इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो पी के पास काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जैसे लोग मैनुफैक्चर करते हैं हेड लैम्प टेल लैम्प्स सिग्नलिंग लैम्प्स रूफ लैम्प्स रेयर व्यू मिरर्स एक्सेट्रा और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके कस्टमर्स देखें तो इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है जैसे टू व्हीलर डोमेस्टिक ओ से है होन्डा टी वी एस यामा सुजुकी और इनका सेवेंटी से ज़्यादा रेवेन्यू इन మేజర్ 3 ప్లేయర్స్ సే ఆతా హై జైసే హోండా టీవీఎస్ ఆర్ యమహా సో క్వార్టర్ 2 fy23 మే 33.46% హోండా మోటార్ సైకిల్ సే కంట్రిబ్యూషన్ థా ఫిర్ 23.25% టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ సే ఆర్ 14.8% ఇండియా యమహా సే సో య కాఫీ అచ్చి బాత్ హై బట్ రిస్క్ బి ఉత్నా హై క్యోకి అగర్ ఇన్ 3 ప్లేయర్స్ కా డిమాండ్ అగర్ కమ్ హో గయా తో fyam కో కాఫీ స్ట్రాంగ్ తరీకే సే ఎఫెక్ట్ హోగా वी के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है बाकी रिसेंटली इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट प्लेयर्स को भी ऐड किया है और ई में इनका ज़्यादा फोकस हो रहा है जैसे इनके मेजर कस्टमर्स ऑलरेडी इनके पास है जैसे ओला ओकिनावा स्कूटर्स का नाम सुना होगा रिवोल्ट बाउंस ऐसे बड़े बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर्स इनके क्लाइंट्स बन चुके हैं ऑलरेडी फिर टू व्हीलर ग्लोबल ओ में देखें तो हार्ली डेविडसन है होंडा यामाहा सुजुकी फिर फोर व्हीलर डोमेस्टिक ओएम्स में देखें तो होंडा वॉक्स वैगन स्कोडा टाटा ह्याई जे सी बी एक्सेट्रा फोर व्हीलर ग्लोबल ओ एम्स देखें तो कुबोटा स्पारक्स एक्सेट्रा इनका डोमेस्टिक प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग है इनके पास नाइन मैनुफेक्चरिंग यूनिट्स है ऑल ओवर इंडिया और एफ वाई ट्वेंटी वन के हिसाब से सेवेंटी परसेंट तक का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है इनके ग्लोबल प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो इनके पास होली ओन सब्सिडरीज है और जे वी कंपनीज़ है पहला है जापान में फ़ी इंडस्ट्रीज जापान दूसरा है फ़ी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो कि इटली में बेस्ड है और जे कंपनी है फ़ीएम क्योवा होंगकोंग में बेस्ड है और एक इम्पॉर्टेंट बात इनका आर एंड डी सेंटर है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और ये क्लाइंट्स को डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ ऑफ़र करता है जो कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स के साथ इक्विप्ड है और इनका जो मैन पावर है वो क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड मैन पावर है इस आर एंड डी सेंटर की मदद से कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जनरेट किए हैं जैसे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेलवे आई पी आई एस इंटीग्रेटेड पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स विद एल ई डी डिस्प्ले जो कि रेलवे स्टेशन पर एल ई डीज़ होते हैं जो कि टाइमिंग बताते हैं कौन सी ट्रेन है वो बताते हैं जो भी पैसेंजर के लिए इन्फॉर्मेशन होता है वो उधर डिस्प्ले होता है सो ये प्रोडक्ट इन्होंने डिज़ाइन एंड डेवलप किया है फोर व्हीलर एल ई डी रेयर कॉम्बिनेशन और एल ई डी डायरेक्शन इंडिकेटर लाइट एक्सेट्रा डिज़ाइन एंड डेवलप किया है इस आर एंड डी सेंटर की मदद से और ये जो आर एन डी सेंटर है इसकी मदद से डेवलपमेंट टाइम काफ़ी कम हुआ है और क्लाइंट्स का जो कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट ज़्यादा था वो कॉस्ट भी सेव हो रहा है इस आर एंड डी सेंटर की मदद से सो so क्लाइंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है और इस आर एन डी सेंटर में काफ़ी अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है इनके प्रोडक्ट्स की इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग इन्वामेंटल टेस्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा अभी इनके रेवेन्यूज़ पे थोड़ी नज़र डालते हैं तो क्वार्टर टू एफ वाई ट्वेंटी थ्री में सेगमेंट वाइज सेल्स ब्रेकअप देखे तो नाइनटी नाइन पॉइंट फोर परसेंट ऑटोमोटिव सेगमेंट से आता है जैसे मैंने बोला इनका मेजर बिजनेस ऑटोमोटिव सेगमेंट से आता है और जीरो पॉइंट फाइव वन परसेंट आई पी आई एस और एल ई डी से आता है अभी इनका ऑटोमोटिव सेगमेंट प्रोडक्ट मिक्स से रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं तो मेजर रेवेन्यू ऑटोमोटिव लाइटिंग से आता है 37.02 परसेंट ऑटोमोटिव एलईडी लाइटिंग से 32.72 परसेंट प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट से 11.7 पॉइंट सेवन परसेंट रेयरव्यू से 11.59 पॉइंट परसेंट ओ रिप्लेसमेंट मार्केट और एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू ब्रेकअप देखे ओ मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफेक्चरर्स तो ओ से इनका नाइनटी रेवेन्यू है रिप्लेसमेंट मार्केट से 5.97 और एक्सपोर्ट से 2.61 परसेंट रेवेन्यू जनरेट होता है बाकी टू व्हीलर और, और फोर व्हीलर सेगमेंट से बात करें तो टू व्हीलर में इनका मेजर बिजनेस है जो कि 9.7 जो कि 97.30 परसेंट जनरेट होता है टू व्हीलर सेगमेंट से और 2.70 परसेंट फोर व्हीलर सेगमेंट से आता है इनके कुछ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की बात करें तो इनका पहला कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है इनका स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस जैसे हमने देखा काफ़ी अच्छे और काफ़ी स्ट्रॉग क्लाइंट है इनके पास और रिसेंटली ई के सेक्टर से जो मेजर प्लेयर्स हैं उनके लिस्ट में ऐड हो चुके हैं दूसरा है इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और आरएनडी सेंटर जिसकी मदद से डेवलपमेंट टाइम कम होता है और कस्टमर्स का कॉस्ट काफ़ी सेव होता है तो ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है बाकी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं मैनुफैक्चर करते हैं और कस्टमर्स को एक एडवांटेज है कि उनको जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसा मिल सकता है और बाकी की ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काफ़ी अच्छे से फोकस कर रहे हैं और ऑलरेडी इन्होंने ई के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को अपनी लिस्ट में एड करा है और, और, कर और ओला इनका की कस्टमर है अभी इनका फाइनेंशियल ओवरव्यू देखे सो एफ वाई ट्वेंटी टू में पंद्रह हज़ार सात सौ तेईस मिलियन रुपीज रेवेन्यू जनरेट हुआ है जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है इबिट्टा एक्सक्लूडिंग अदर इनकम देखे तो उन्नीस सौ से ज्यादा इनका इबिट्टा जनरेट हुआ है एफ आई ट्वेंटी टू में टोटल कंपरिव इनकम नाइन फिफ्टी मिलियन एफ आई ट्वेंटी टू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है

मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 2400 करोड़ तो स्मॉल कैप हम बोल सकते हैं करंट प्राइस है 1821 स्टॉक का पी चल रहा है 18.9 और इंडस्ट्री भी है ट्वेंटी कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि फेयरली वैल्यूड है स्टॉक आर ओ सी देखे तो 20.6 परसेंट काफी अच्छा है आर ओई फिफ्टीन परसेंट गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तेरह के है और फाइव ईयर सेल्स ग्रोथ देखे तो नाइन इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है बट गुड डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 मतलब नेग्लिजिबल डेट है कंपनी के पास मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री हम मान सकते हैं क्वार्टरली नंबर्स देखे तो रीसेंट क्वार्टर तो काफी मैसिव नंबर्स देखने को मिले और सितंबर 2022 और सितंबर 2021 से कंपेयर करें तो काफी अच्छी ग्रोथ है 25.28 परसेंट बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी स्ट्रांग है मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं बारह परसेंट तेरह परसेंट चौदह परसेंट बहुत ही बढ़िया नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखें मार्च 2011 से 427 का सेल्स होता था फिर 535 605 धीरे 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 सेल्स ग्रोथ हमें देखने मिल रही है बट सेल्स में इतनी स्ट्रांग नंबर हमें नहीं दिख रहे ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर पा रहा है कंपनी और मार्जिनस भी अच्छे से इम्प्रूव हो रहे हैं ग्यारह बारह तेरह नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है कंपनी के पास 56, 75, 47, 94 1.27 जैसे मैंने बोला सेल्स ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है टेन ईयर्स एवन परसेंट फाइव ईयर्स नाइन परसेंट थ्री ईयर्स थ्री परसेंट सो ठीक ठाक सेल्स ग्रोथ बट कंपाउंडेड प्रॉफिट अच्छा है रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेटर है बैलेंस शीट अगर हम देखें तो रिजर्व धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कंपनी के और बोरोइंग्स काफी तेजी से कम कर रहे हैं हटा रहे बोरोइंग्स जिसके मदद से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी कैश फ्लो भी अच्छा जनरेट कर रही है कंपनी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन अच्छे से जनरेट हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखे तो फिक्स्ड एसेट खरीद रहे इन्वेस्टमेंट कर रहे तो so अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस पढ़ा रहे बहुत ही अच्छी बात है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखे तो बोरोइंग्स को रीपे करा है जैसे मैंने बोला काफ़ी तेज़ी से लोग बोरोइंग्स कम कर रहे हैं अभी यहाँ पे इंटरेस्ट पेट पर अगर नज़र डालें तो पहले कंपनी चौबीस करोड़ 22 करोड़ का इंटरेस्ट पे करती थी और आज 7 करोड़ बन गया है तो कंपनी के प्रॉफिट पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है नेट प्रॉफिट इंप्रूव होता है इससे बहुत ही अच्छी बात है नेट कैश फ्लो नेगेटिव क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बोरोइंग्स भर रहे हैं इसके लिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे शेयर होल्डिंग पैटर्न सो so, प्रोमोटर के पास काफी अच्छा स्टेक है 66.56 काफी बड़ा स्टेक है प्रोमोटर के पास एफ की होल्डिंग मार्च के क्वार्टर में थी अबाउट 10 परसेंट फिर जून के क्वार्टर में काफी कम किया है फिर सितंबर के क्वार्टर में थोड़ा बड़ा है बट 5.5 परसेंट काफी बड़ा स्टेक है एफ के पास भी और डी के पास भी थोड़ा स्टेक है टेक्निकल देखते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न पर अगर हम नजर डालें तो हमें दिख रहा है कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है और बढ़िया तरीके से ग्रोथ हमें देखने मिल रही है लॉन्ग टर्म चार्ट काफी अच्छा है बाकी ये जो, जो जोन था ये था मेजर कंसोलिडेशन जोन इसी एरिया में स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा था जून से नवंबर तक और अभी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे तो इसकी वजह से स्टॉक ने 9.6 परसेंट की तेजी से ब्रेकआउट दिया है बट यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो मैसिव वॉल्यूम्स नज़र नहीं आ रहे तो ये ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और फिर स्टॉक नीचे आ सकता है ऑलमोस्ट 1730 1720 के लेवल्स तक बाकी चार्ट पैटर्न तो काफी स्ट्रांग है यहाँ पे सपोर्ट लेगा स्टॉक सपोर्ट लेके जब फ्रेश रनअप शुरू करेगा तब आप इसमें फ्रेश अक्यूमुलेशन कर सकते हो फ्रेश बाय कर सकते हो अपना रिसर्च खुद करे क्योंकि कंपनी अभी काफी छोटी है रिस्क फैक्टर्स बहुत होते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में तो इन्वेस्ट वाइजली एंड दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू